हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि 26 जनवरी को ही क्यों रिपब्लिक डे मनाया जाता है। क्योंकि रिपब्लिक डे क्यों मनाया गया, जब हम लोग का संविधान बनकर के रेडी हो गया तो उसी जब बन के रेडी हो गया तो उसी के लिए रिपब्लिक डे मनाया गया। रिपब्लिक डे और भी क्या क्या रीजन था जिसके लिए कि 26 जनवरी को जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते रिपब्लिक डे, तो इसके पीछे क्या रीजन है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए जानते हैं। ऐसे आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों का देश आजाद हो चुका था, 15 अगस्त 1947। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि हम लोग का जो कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको रोक था, वो जा नहीं सकते थे। मतलब आप फ्रीली माइग्रेशन नहीं कर सकते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एक ये रीजन था। और एक और रीजन था कि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे उस समय, आपके जाति के आधार पे, आपके धर्म के आधार पे, आपके काले गोरे के आधार पे, लड़का लड़की के आधार पे, मतलब बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन भी थे पहले। ठीक है, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ही एक रिपब्लिक डे होता है, मतलब इसी के लिए बनाया गया। जिससे ये हुआ कि संविधान में सब चीज लिखा हुआ है कि ना आप पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना किसी का जेंडर के आधार पे, ना किसी का रंग रूप ये सब के आधार पे। ठीक है, कलर के हिसाब से। तो चलिए जानते हैं। तो उसके बाद तो ठीक है, इस रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता क्योंकि संविधान में सब चीज़ लिखा गया। ठीक है, तो ये जानते कि 26 जनवरी क्यों ही क्यों, और भी तो कोई डेट हो सकता था, क्योंकि हम लोग का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हो चुका था। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हो चुका था। तो बात था कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। सब लोग तो बोल रहे थे कि चलो इम्प्लीमेंट करो, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, अभी रुक जाओ, इसको हमको सेलिब्रेट करना है। मतलब इसको हमको इस दिन मतलब ऑर्गेनाइज मतलब इसको करना है कि हम लोग का एक पिछला एक हम लोग एक इवेंट किए थे, मतलब एक बहुत बहुत पुराना याद था उनका, बट कुछ लोग भूल चुके थे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बात। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे फ्लैग होस्टिंग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो एक सेशन हुआ था लाहौर में, वो सेशन लाहौर सेशन उसका नाम बोला जाता है। वहीं पे स्टार्ट हुआ था जो भी इंडियन थे जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन लोग 28 दिसंबर 1929 को एक डिक्लेयर कर चुके थे कि अब हम लोगों को मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए। ये पूर्ण स्वराज का जो मांग स्टार्ट हुआ था लाहौर सेशन में 28 दिसंबर 1929 को। ठीक है, लाहौर सेशन में यह स्टार्ट हुआ था, तो कि हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो भी इंडियंस फ्रीडम फाइटर थे वो अंग्रेज से पूर्ण स्वराज नहीं मांगते थे, वो अंग्रेज से डोमिनियन स्टेटस मांगते थे। ठीक है, चलिए, तो यही सब के याद के ऊपर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसमें प्रेसिडेंट थे इंडियन फ्रीडम फाइटर, मतलब कांग्रेस का उसमें पार्टी था कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका पार्टी का प्रेसिडेंट थे उसमें। तो ये जाकर के फ्लैग होस्टिंग कर दिए थे रावी नदी के किनारे लाहौर में 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, उसी दिन एक कह चुके थे कि अब हमको आजादी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को डोमिनियन नहीं, अब हम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, ऐसा उनका मांग था। तो इसी के याद के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया, बट इसका इंप्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 को होगा। तो हम लोग का जो रिपब्लिक डे, पहला रिपब्लिक डे मनाया गया वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि संविधान बनाने में किनका किनका इन्वॉल्वमेंट था। संविधान बनाने में सबसे बड़ा एक जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का, उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन और प्रेसिडेंट थे संविधान बनाने में, तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और बाद में जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का राष्ट्रपति भी चुने गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब था रिलेटेड टू कि हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। ठीक है,
हम लोग क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो और थोड़ा बताता हूँ, जो हम लोग का संविधान बना उसके बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे टोटल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टोटल मतलब रिलेटेड हो गया आज का, मतलब एक अलग सा ज्ञान मैं बताया आप लोगों को लिए रिलेटेड टू रिपब्लिक डे। और एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ना कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं डेफिनेटली कल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और लाइव भी करूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आप एक बार देखते रहिए, ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ आपको 4 से 5 कल शाम में अपलोड हो जाएगा, मतलब मैं लाइव आकर के डिस्कशन करूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप लोगों को एक अलग सा नॉलेज है कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, ठीक है। चलिए चलने पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।